तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डी ए ई मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो भी डीपीएस पे एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है डीपीएस का। तो चलो मैं इसका ऑफिशियल साइट पे ही विजिटेड हूँ अभी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 22 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट। इस वीडियो में सारा कुछ पता चलेगा कि कौन क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। एंड 15 तारीख तक रहेगा एंड इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 65 है। एंड जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर का है, ये टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है ये, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो इसको मैं नोटिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पे आपको ओपन करना है। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो ये ओपन करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन पे जाकर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश, अगर हिंदी में देखना है तो हिंदी को डाउनलोड करें एंड इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में। तो चलो मैं इंग्लिश वाला डाउनलोड करके आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं। ये जो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ तो देखो यहाँ पर ये एग्ज़ाम का डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो एग्ज़ाम का डेट 2nd वीक ऑफ जून मतलब कि अप्रैल एंड मई, आपका मई 15 मई तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर जो मई जून में मतलब कि 1 मंथ के बाद आपको एग्ज़ाम होगा, 1 मंथ के बाद जून 2nd वीक में। देख लो एज लिमिट है 18 से 27 ईयर है एज लिमिट। एंड जो एज रिलैक्सेशन भी है वो मैं आगे बताऊंगा जो आपका हर एक में होता है। तो ये जो पोस्ट है ये जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर का है। तो यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ वैकेंसी है, टोटल डिवाइडेड है, एसटी में 0 है, बाकी सब में तो है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 65 है जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया। एंड ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑब्वियसली। फिर एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो अब मैं बोला था कि एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ये सारे कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी को 5 ईयर का एंड 3 ईयर ओबीसी। फिर बाकी लोगों का भी देख लो यहाँ पर से हर एक को, जिसको जिसको भी एज रिलैक्सेशन चाहिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है। यहाँ पर देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वालिफिकेशन दिया है। अगर आप ग्रेजुएट किए हैं साइंस से 60% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएट साइंस एंड कॉमर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो डिप्लोमा किए हुए हैं अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस से विथ 60% मार्क्स होना चाहिए तो आप लोग ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेलेक्शन मोड जो होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन 2 लेवल पे होगा। फर्स्ट आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड सेकंड जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब कि लिखना पड़ेगा। फिर जो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो है वो फर्स्ट एग्जामिनेशन ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड जो सेकंड जो पेपर होगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर जो आफ्टर सिलेक्शन, जो अगर आप सिलेक्शन में हो जाता है तो आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही आपको पोस्टिंग करेगा। फिर हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई का लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग ऑब्वियसली अप्लाई कर लेना। 22 तारीख का काफ़ी अच्छा है, टेक्निकल नॉन टेक दोनों का दे दिया है साथ में। एंड एग्ज़ाम सेंटर का भी दिया हुआ यहाँ पर हर कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो पेपर होगा फर्स्ट लेवल का जो एग्जामिनेशन जो रिटर्न टेस्ट OMR शीट पे होगा वो 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का एंड 2 आवर का रहेगा। यहाँ पर देख लेना इन कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, हर एक का डिवाइड किया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिर लेवल 2 की बात करूँ तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा 3 आवर का, 3 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें भी कौन सा है या वो आप लोग देख लेना, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो टेलीग्राम से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वैसे बाकी ऐसे कुछ नहीं है। तो आई होप कि छोटे से वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।